किशनपुरा और आसपास के विधानसभा क्षेत्र के पधारे हुए और बहुत बड़ी तादाद में आप लोग एकत्रित हुए और इस समय रात के करीब 9 बज रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग बैठे हैं, मैं हृदय की गहराइयों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे नहीं पता था कि इस तादाद में आप लोग यहां एकत्रित होंगे, नहीं तो पिछले कार्यक्रमों में से कुछ थोड़ा कट शॉर्ट करते और आपके बीच में पहले हाजिर होने की कोशिश करता। ये जो जगह है जहां कार्यक्रम हो रहा है, किशनपुरा गांव, मेरा इससे बहुत पुराना नाता है। कैसे है आप सब लोग जानते हैं जो किशनपुरा के निवासी हैं, और जो पुरानी जो विधानसभा हुआ करती थी देसूरी, उस विधानसभा के जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया वो भलीभांति जानते हैं कि क्यों है इस जगह से नाता, क्योंकि इस जगह से चुनाव मैंने जब लड़ा था तो ये भी एक गांव था जो मेरी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था। और आप लोगों ने बहुत भरसक प्रयत्न मुझे जिताने के लिए उस समय किए थे, वो योगदान मुझे याद है आज भी। आपका बहुत मेहनत आप लोगों ने की, बहुत चंद वोटों से हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन आप लोगों की उस मेहनत को मैं भूल नहीं सकता हूं। आज जो सबसे बड़ा चुनाव है, यहां 300 वोट से मैं चुनाव हार गया था, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीतने का अगर अवसर मिला राज्यसभा में तो वो मुझे और वेणुगोपाल जी को मिला है। हम लोग गुजरात में भी चुनाव लड़े लेकिन राज्यसभा का एक वोट से हम लोग चुनाव हार गए। राज्यसभा का चुनाव जो है वोट की गिनती के आधार पर नहीं होता, उसमें कैलकुलेशन होती है और वो अंक गणित जो थी उसमें 0.7 से हम लोग हारे हैं। पूरा एक वोट भी पूरा नहीं है। अभिमन्यु सिंह जी, आपसे चर्चा हुई थी मेरी इस बारे में, आपको ध्यान होगा कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है वोटों की। जहां 0.7 वोट कम मिलने की वजह से राज्यसभा का चुनाव हार गए, वहीं 39 वोट से मैं चुनाव जीता हूं राजस्थान में, जो हिंदुस्तान का इतिहास हम लोगों ने बनाया है। और ये इतिहास, आप लोगों का आशीर्वाद उस इतिहास में शामिल है, ये मैं कहना चाहता हूं। राजस्थान में राज्यसभा का वो चुनाव हुआ, 3 सीटें थी राज्यसभा की, भारतीय जनता पार्टी ने चौथा उम्मीदवार उतारा। पूरा देश जानता था कि कांग्रेस ने जो दो कैंडिडेट उतारे हैं, जो उम्मीदवार उतारे हैं राजस्थान की राज्यसभा के लिए, उसमें पहली वरीयता पर माननीय वेणुगोपाल जी, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव हैं, स्वाभाविक सी बात थी कि जब इतना बड़े कद का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा हो कांग्रेस पार्टी से राजस्थान से, फक्र की बात थी कांग्रेस के लिए, राजस्थान के लिए। लेकिन सबको पता था कि वो प्रथम वरीयता अगर कांग्रेस पार्टी की मिलेगी तो वेणुगोपाल जी को मिलेगी और दूसरी वरीयता मिलेगी मुझे, सबको पता था ये। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे रोकने के लिए चौथा उम्मीदवार मैदान में उतारा, और उस मैदान में उतारने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा जो था, जो दोगली नीति वो करते हैं, जो मुखौटा उनका असली चेहरा था, जो जनता के सामने आया, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को रोकने की कोशिश उन्होंने की जिसमें वो नाकामयाब हुए, उसमें भी आप लोगों का आशीर्वाद बसाता, ये कहना चाहता हूं। सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, अशोक गहलोत जी ने जो आशीर्वाद दिया मुझे, उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है। मुझे निर्देश हुए हैं कि राजस्थान में जिस तरह प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते में पूरे राजस्थान में मैंने मूवमेंट किया था, पूरे राजस्थान की कांग्रेस को मजबूत करने का काम आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने किया था, आज फिर वो दिन आया है। मुझे निर्देशित किया गया राहुल गांधी जी ने, मुझे निर्देशित किया है अशोक गहलोत जी ने कि आपको उसी तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की अलग को जगाना है, और जहां भी कमजोरी नजर आती है वहां आपको कांग्रेस को ग्रास रूट पे मजबूत करने का काम करना है। यहां जब देसूरी की बात करते हैं, मारवाड़ जंक्शन की, इस क्षेत्र की बात करते हैं, ये अनदेखी इन क्षेत्रों की हो रही है, क्यों हो रही है ये आप लोग भी जानते हैं। ऐसे लोगों को मौका मिल जाता है, यहाँ लंबे समय से
जो है बाली विधानसभा क्षेत्र में, जो पहले देसुरी हुआ करता था, बाली है, वो क्षेत्र के लोग चुनाव जीत रहे हैं लगातार। क्षेत्र की जनता क्यों उनको चुनाव जिता रही है समझ के परे हैं हम लोगों के। लेकिन पांच पांच बार जीतने के बाद भी अगर आप लोग देखेंगे कि पिछले दो दिन से मैं यहाँ इस क्षेत्र के दौरे पे हूं, अनगिनत एप्लीकेशन जो है, अनगिनत निवेदन जो है, वो क्षेत्र की जनता की तरफ से मेरे पास पहुंचे हैं कि भारी समस्याएं क्षेत्र के अंदर बसी हुई हैं, छोटी छोटी चीजें। राज्यसभा का चुनाव जीतने के बाद में आदमी जो है, जो भी जीतता सांसद, वो दिल्ली के अंदर वहां जाकर के वहां रहता है दिल्ली में, उसे ग्रास रूट पे आने की जरूरत नहीं, उसको वोटों की जरूरत नहीं होती है। यहां क्यों हम खाक छान रहे हैं क्षेत्र में जाकर के? हम लोग जानना चाहते हैं कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार है तो क्यों नहीं काम हो रहे हैं, क्या कमियां आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, हमारे कार्यकर्ता को किस चीज की जरूरत है, क्यों कार्यकर्ता सर उठाकर नहीं जी पा रहा है। हमारा कार्यकर्ता सर उठाकर के फक्र के साथ आगे बढ़ सके, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये स्वागत कार्यक्रम जो आप लोगों ने दिया है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा स्वागत हो। आपने जो पलक पांवड़े बिछाए हैं, आपने जो सम्मान दिया है, आपने जो सर के ऊपर मेरे जो है साफा पहनाया है, इसका कर्ज शायद मैं नहीं उतार पाऊं, लेकिन ये मान के चलना कि राज्यसभा सांसद के नाते आप लोगों के बीच में हमेशा रहूंगा। चाहे दो साल का एमपीलैड फंड मोदी जी ने रोक दिया हो, राज्य की सरकार के माध्यम से आप लोगों के काम होंगे। और जिस दिन एमपीलैड फंड खुलेगा, जिस दिन मुझे यहां से आपके क्षेत्र के लिए अनुदान देने की बात आएगी, उसके अंदर मैं किसी तरह की कमी नहीं छोड़ूंगा, यह मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं। परिस्थितियां बहुत विकट थी, आप लोगों ने देखा कि पिछले डेढ़ महीने से किस तरह के हालात राजस्थान में बने। एक तरफ तो कोविड चल रहा है, मास्क एक नई चीज हो गई है, पहले मोबाइल को संभालो, फिर पेन को संभालो, फिर मास्क को भी संभालो, क्या क्या संभालें। यहां जो है राजस्थान के हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश था, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने भी अशोक गहलोत जी की भूरी भूरी प्रशंसा की कि किस तरह से उन्होंने एक कामयाब मुख्यमंत्री का दायित्व निभाया और किस तरह से एक कुशल प्रबंधन इस कोरोना वायरस को लेकर के राजस्थान का किया। आज राजस्थान के अंदर जिस तरह से प्रबंधन हुआ, हमारी धीरे धीरे कोरोना की जो दर है वो धीरे धीरे कम हो रही है, लोग ठीक हो रहे हैं और बहुत अच्छे से सुचारू रूप से प्रशासन को निर्देशित करके मुख्यमंत्री और हमारे राजस्थान के रघु शर्मा जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो पूरा प्रबंधन अपने हाथों में लेकर के एक एक चीज का ध्यान रख रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे में जहां राजस्थान में कोरोना था, वहीं दूसरा कोरोना भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार को उतार करके दिया था, जो चौथा उम्मीदवार उतारा था। क्या उन्हें पता नहीं था कि 125 वोट कांग्रेस के पास है और मात्र 75 वोट उनके पास है? पूरे हिंदुस्तान में तोड़फोड़ की राजनीति वो लोग कर रहे हैं। ये आप लोगों को समझना होगा, जनता को समझना होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता को समझना होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों में कामयाब होने की कोशिश देश में कर रही है। और जो नारा वो लोग लगाते थे कि कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान होगा, उसका करारा जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया है कि कांग्रेस मुक्त तो छोड़ दीजिए, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हिंदुस्तान होगा, ये हम लोग कहना चाहेंगे। जिस तरह की कार्रवाई उन्होंने मध्य प्रदेश में की, गुजरात में की, मणिपुर में की, गोवा में की, कर्नाटक में की, नाकामयाबी हासिल हुई तो राजस्थान में हुई। इससे पता चल सकता है कि पूरी देश की राजनीति के अंदर सबसे शीर्ष का अगर कोई नेता है तो वो अशोक गहलोत जी हैं, ये उन्होंने प्रूव किया है। आज कुछ लोगों ने गहलोत साहब के खिलाफ मोर्चा तो खोला था, लेकिन वो लोग समय रहते सावचेत हुए, उन्हें समझ आई, उन्हें अकल आई और वो पुनः लौटे। लौट करके उन्होंने पुनः कांग्रेस को समर्थन दिया, मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूंगा। 123 वोट मिले थे राज्यसभा की जीत में और 123 वोट मिले थे जो अविश्वास लाने की कोशिश कुछ लोगों ने की थी। तो ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने दिखा दिया कि आपने जो सोच रखी हुई है देश को उथल पुथल करने की, अब सोच चलेगी नहीं, कोई काम नहीं हो रहे हैं। कोरोना का प्रबंधन बहुत
बुरी तरीके से हाशिए पे आया है, ये पूरा देश देख रहा है किस तरह के हालात पूरे विश्व में आज कोरोना के अंदर शीर्ष पे पहुंच गया है हिंदुस्तान। सबसे बुरी हालत हिंदुस्तान की है पूरे विश्व में। पहले अमेरिका था, कनाडा के अंदर हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, जगह जगह हो रहा था, चाइना दुबर हो रहा था, लेकिन आज हिंदुस्तान जो है कोरोना के पेशेंट्स में सबसे ज्यादा है। क्यों हुए ऐसे हालात? राहुल गांधी जी ने फरवरी में आगाह कर दिया था देश को कि कोरोना को जो है बहुत लाइटली मत लेना, इसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने उस समय आगाह किया था पूरे देश को, उन्होंने राफेल को लेकर के भी आगाह किया था, उन्होंने नोटबंदी को लेकर के भी आगाह किया था। आप लोगों ने देखा होगा लाइन में लग करके 2000 रुपए के नोट को बदलाया था उन्होंने, जब उनकी हंसी उड़ाई गई थी, माखोल उड़ाया गया था। आज हम लोग देख रहे हैं कि आर्थिक मंदी अगर देश में आई है तो ये नोटबंदी, जीएसटी, राफेल, ये कोरोना, ये एफडीआई, इन तमाम मुद्दों से आई है, जिसका विरोध हमने जब करने की कोशिश करी तो भारतीय जनता पार्टी ने की थी। जब राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई तो यही मोदी और अमित शाह और इनके लोग उनका मजाक उड़ाने का काम कर रहे थे। आज देश राहुल गांधी जी की प्रशंसा कर रहा है, आज देश राहुल गांधी को याद कर रहा है। और मैं इस मंच के माध्यम से और ये तमाम बैठे हमारे नेताओं के माध्यम से और ये तमाम बैठे कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी से कि राहुल गांधी जी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बनाना चाहिए। यह हम लोगों की मांग है, नौजवानों की मांग है, युवाओं की मांग है, हमारे क्षेत्र के कांग्रेस जनों की मांग है। मैं बहुत लंबी बात कह चुका हूं, बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, हम लोग समय समय पर मिलते रहेंगे और आप लोग अपने आप को ये मान के चलना कि आप लोगों की सूद लेने वाला, आप लोगों की देखभाल करने वाला मैं बैठा हूं, आप लोगों को कोई परवाह करने की जरूरत नहीं किसी चीज की। हम लोग मिल करके कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर के अपने क्षेत्र के विकास की बात रखेंगे, अपने क्षेत्र को नए विकास के आयाम स्थापित करने के लिए, चहुमुखी विकास के लिए हम लोग तैयार करेंगे। जो सपना मेरे पिता स्वर्गीय श्री दिनेश डांगी ने इस क्षेत्र के लिए देखा था, उसको पूरा करने का काम मैं आपके सहयोग से करूंगा, ये मैं कहने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। आप लोगों ने सम्मान दिया, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस मंच से। और आदरणीय मेरे भाई, मेरे बहुत ही नौजवान, मेरे बहुत ही कर्मठ साथी, बहुत ही जुझारू साथी जसाराम जी को बधाई देना चाहूंगा इस कार्यक्रम की और इनके आने वाले भविष्य के अंदर ये आगे निरंतर बढ़े राजनीति में, उसके लिए भी उनको मैं जो है साधुवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पुनः आप लोगों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। इतने रात के समय भी आप लोग जो है बैठे हैं, एक भी व्यक्ति उठा नहीं है, मैं देख रहा था। अमूमन ऐसा होता है कई बार पीछे के तरफ से तालियां बजने लग जाती है। एक कार्यक्रम में मैं गया, मोदी जी का कार्यक्रम था, चीफ गेस्ट मोदी थे, हमारी कांग्रेस की तरफ से हम लोग गए थे, एक कॉमन प्रोग्राम था राजस्थान पत्रिका का जयपुर में, तो पीछे से जो है तालियां बजने लगी। नमो नारायण जी भाषण दे रहे थे, बहुत लंबा खेस दिया, पीछे से तालियां बजने लगी, तो उन्होंने सोचा कि बहुत बढ़िया बोल रहे हैं जो और तालियां बज रही हैं। आज की परिस्थितियों में अगर कोई उठ जाता है या तालियां बजने लग जाती है तो यह मान लेना चाहिए कि आपका भाषण या तो लंबा हो गया या पसंद नहीं आ रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे साथियों को, एक भी व्यक्ति ना तो उठा और पीछे से फालतू की ताली भी नहीं बजी। इन हालातों में जहां हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, राजस्थान में जहां पिछले लंबे समय से यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है कांग्रेस को, संकल्प हम लोग लेंगे यहाँ से कि आने वाले वक्त में चाहे सिरोही हो, पाली हो और जालोर हो, जहाँ 14 सीटों पे मात्र एक सीट कांग्रेस जीत पाई, आने वाले समय में फिर से यहाँ की 6 सीटों के साथ साथ इन तीनों जिलों में 14 की 14 सीटें हम लोग जीते, उस स्तर पर ग्रास रूप में हम लोग काम करेंगे। ये मैं कहना चाहूंगा आपको कि मैंने पिछले 2 दिन के मूवमेंट में एक भी जगह पे भाषण के लिए मना कर दिया था। एक पहले बोलागुड़ा में एक भाषण हुआ और यहाँ पे भाषण की जो है आप लोगों ने एक सभा बनाई। मैंने कहा कि भाषणों का दौर गया, बहुत नेताओं ने पेल दिए भाषण। नेताओं से निवेदन है कि आप लोग उतरो ग्रास रूट पे, पब्लिक के बीच में जाओ, जनता की दुख दर्द को जानो, उनकी तकलीफों को पहचानो और उनकी तकलीफों को कैसे दूर किया जा सकता है। आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, प्रशासन को झुक करके आपका काम करना होगा।
प्रशासन आपकी अनदेखी नहीं कर सकता है। आप कांग्रेस के सम्मानित सिपाही हैं, सम्मानित पदाधिकारी हैं, आप लोगों ने चुनाव लड़ा है यहाँ से। मैं देखता हूँ कि प्रशासन का कौन सा व्यक्ति पाली जिले के अंदर कांग्रेस के किसी साथी को काम करने के लिए मना कर देता है। हम देखेंगे प्रशासन को राजस्थान की सरकार के हिसाब से चलना होगा, हमें प्रशासन के हिसाब से नहीं चलना है। मैंने प्रशासन के लोगों को भी मीटिंग ली, पाली जिले की भी और सिरोही जिले की भी, उनको निर्देशित किया गया है। किसी ने कहा कि आप नीरज जी, एक छोटा सा निवेदन है मेरा, निवेदन नहीं, हम निर्देशित करेंगे, हम सरकार में हैं, वो हमारे लिए काम करने के लिए बैठे हैं, उन्हें काम करना होगा, जनता की तकलीफों को दूर करना होगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर कोई काम लेकर जाता है तो उसे उसको काम करने के लिए उसे दायित्व दिया गया है, उसे पद पे बिठाया गया है। अगर वो नहीं करता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसको हटा करके ऐसा व्यक्ति लाया जाएगा जो आपके काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मेरे तमाम उपस्थित सज्जनों का, इस दूर दराज से आप लोग यहां एकत्रित हुए हैं, जसाराम जी का, मेरे तमाम मंचासीन साथियों का जो पिछले दो दिन से लगातार मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के सहयोग कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन कार्यक्रम किए हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस बहुत मजबूत है पाली जिले में। सिर्फ जगाने की जरूरत है, जागरूकता लाने की जरूरत है। इन साथियों में उमंग है, इन साथियों में जोश है, इन साथियों में चिंगारी है, उसको भड़काने की जरूरत है, आग लगाने की जरूरत है, वो आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ो साथियों, हम सब साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके कांग्रेस को पुनः स्थापित करेंगे, मजबूत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।